वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। दिल तो पागल गा भाई, नेक्स्ट पढ़े लास्ट में सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा था यार। किंग खान ने गाया, मजा आ गया। चाहे किसने भी गाया, अभी हमें तो किंग खान लगा, फिर आप कहोगे दूसरा है भाई। इन किंग ने भाई गाया, हमें तो दिखाई दिया भाई। बाकी जिसने भी गाया अच्छा गाया, मिलते हैं प्ले करते हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं लेकिन सब लोग हमें घूर रहे हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई एम लुकिंग फनी ना यार। कम ऑन यार। निशा, हाउ डू यू लाइक द ऑरेंज? इट्स वेरी नाइस निशा। अच्छा मैं भी आती हूं। निशा, मिस्टर शाह, यू आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट योर पार्सल फ्रॉम द डिलीवरी काउंटर। शॉपिंग करने आए हो? यस। अकेले? यस। वेरी गुड। देखो कभी भूल से भी किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने मत आना। राहुल, राहुल, हाउ डू यू लाइक दिस शर्ट? तुम्हें पसंद है? बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। लेट्स गो। ए एक बार ट्राई तो करना। अरे तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद है, लेट्स गो ना प्लीज। ए राहुल, मर गया राहुल। सो स्वीट। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ ना। सॉरी इडियट। ओके, हैप्पी? हंस कर रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारी जीन्स कहाँ है? जीन्स तो मैंने अपनी पहनी थी ना, ये। होता है। ताली बजा, केक खोलो। नौकर भी दलाली करते हैं। अरे पूजा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैंने तो चॉकलेट केक ऑर्डर किया था। किसी और का पार्सल उठा लाई हो? कोई बात नहीं बेटे, लोग अपनी बर्थडे केक काट कर सालगिरह मनाते हैं, मैं बर्थडे सैंडविच काट कर मना लूंगा, क्या बात है? आओ आओ, चलो चलो। देखो तो मेरा केक कौन ले गया? राहुल? पूजा? ये पूजा कौन है? मुझे क्या मालूम। और ये अंकल कौन है? पूजा के होंगे। तुम्हें पहली बार किसी काम के लिए भेजा और तुम गलत पार्सल उठा लाए? मैं क्या करता, जो पार्सल मुझे दुकानदार ने दिया वो लेकर आया यार। लेकिन एक बार चेक तो करना चाहिए था, क्या उठा कर ला रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये चेक बैक मुझसे नहीं होता है। अगली बार तुम अपना काम खुद ही कर लेना, ओके? और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है और ये केक भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाओ यार। स्टॉप इट, ये केक कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि किसी और का है। अरे वो किसी और लोग भी हमारे सैंडविचेस खा रहे होंगे यार। बिल्कुल नहीं, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये पास में ही, जाके वापस दे। पागल हो गए क्या? राहुल, ये किसी का बर्थडे केक है, किसी ने कितने प्यार से बनवाया होगा, किसी की पार्टी खराब हो रही होगी। जा वापस। मैं नहीं जाने वाला। राहुल, अरे मर गया राहुल यार। चलो जिमी, चलकर हैप्पी बर्थडे बोल के आते हैं, आजा। सो स्वीट। क्या कहा? कुछ नहीं। चुप। यस, गुड इवनिंग, आप अंकल हैं? नहीं, मैं आंटी हूँ। कि आपका गलती से केक मेरे पास आ गया था। ओ, सैंडविच वाले? जी हाँ, ये रहा आपका केक एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एंड सॉरी। सॉरी क्यों?
क्योंकि हम तुम्हारे सारे सैंडविचेस खा चुके हैं। कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि रास्ते में मैं भी आपका केक थोड़ा सा खाता हूँ। तभी अच्छा चलता हूँ अंकल। नहीं 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 नहीं, हमारे साथ अंदर आओ, केक खाओ। नहीं नहीं अंकल, मुझे जरा काम है, जल्दी में हूँ। अंकल से मत आता। अच्छा अच्छा, एक मिनट प्लीज, ताकि जिसने ये केक खरीदा है ना वो तुमको थैंक यू कह दे। नो 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 अंकल, पूजा। जी अंकल। तुम गलती से जिसका सैंडविच का डब्बा ले आई थी ना, वो बेचारा केक लौटाने वापस चला आया। वाओ स्वीट। हाँ जाओ दरवाजे पे जाकर उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। जी जी। केक आया के निगाहों में चमक जाग उठी, बेटे के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। अजीब आदमी है। पूजा, तुम ये सब चीजें क्यों खरीद रही हो? Come on अंजलि, आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे? ये वैलेंटाइंस डे होता क्या है? तुम्हें वैलेंटाइंस डे नहीं मालूम? जो तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारा लगे उसे तुम्हारा वैलेंटाइन कहते हैं। आज के दिन सब प्यार करने वाले एक दूसरे को अपने दिल की बात कह डालते हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। वेरी फनी, पर तुम ये सब किसके लिए खरीद रही हो? अपने लिए। क्या? देखो मुझसे प्यार करने वाला तो कोई है नहीं जो मेरे लिए प्यारी प्यारी चीजें खरीदे, तो मैं खुद अपने आप को खुश कर रही हूँ। पूजा तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। और सुनो, आज कोई आम वैलेंटाइंस डे नहीं है, बहुत सालों बाद ये पूरणमासी पर आया है, इसका मतलब जानती हो तुम? जानती तो नहीं, मगर मुझे पता है कि तुम मुझे बताकर ही छोड़ोगी। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे लिए कोई बनाया गया है और तुम्हें उसका सच्चे दिल से इंतजार है, तो आज के दिन वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और तुम इसे सच मानती हो? ऑफ कोर्स, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज रात 12 बजे से पहले मुझे मेरा जीवन साथी मिलने वाला है। पूजा तुम सचमुच पागल हो। वो तो मैं हूँ ही। राहुल मर गया। राहुल मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना तो आ जाओ। राहुल हम सबके साथ आए हैं और सबके साथ ही जाएंगे। अरे यार बहुत बोरिंग पार्टी है, तुम्हें चलना तो बोलो। राहुल तुम नहीं सुधरोगे, देखो कितनी खूबसूरत रात है और तुम कितने अनरोमांटिक हो। जरा देखो इन लोगों की तरह कितने प्यारे लगते हैं लोग जब मोहब्बत में एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तुम्हें लगता है ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ऑफ कोर्स। बैठो जरा यहाँ। एक बात बताओ निशा, तुम्हें क्या लगता है कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत जब कोई इतना प्यारा लगे कि उसकी बाहों में जिंदगी गुजारने को जी चाहे, उसी को मोहब्बत कहते हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं? मुझे तो लगता है। लड़कियां कितनी बेवकूफ हैं। क्या तुम्हें पता है इन सब में से कुछ लव स्टोरीज तो आज ही खत्म हो जाएंगी। लड़के और लड़कियों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े हों और आज रात के बाद वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेगी, और फिर अगले साल इसी दिन इसी जगह पर इन्हीं चेहरों को तुम अलग अलग बाहों में देखो। लड़के भी कितने स्टूपिड। अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ निशा। देखो तुम ये तो मानती हो ना कि एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। हाँ है। और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। वो भी तो है, लेकिन आजकल की दुनिया में वक्त कहाँ है किसी के पास। अरे देखो ना, इस पूरी पार्टी में एक दूसरे को इतने सालों से कोई नहीं जानता जितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? चलो मेरी बात छोड़ो, सिर्फ ये बताओ क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो क्या? अरे तू यहाँ है, तुझे तो सब बाहर बुला रहे। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है यार, सब लोग तेरे मुंह से गाना सुनना चाहते हैं। अरे नहीं यार, मुझे तुम बता, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो क्या? हाँ राहुल, मैं गुजार सकती हूँ,
मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। पूजा है गोरी भाई, उसका भी कोई कनेक्शन है भाई हमारे किंग खान के साथ। जब भी आते हैं एक दूसरे को, सामने तो नहीं आते बट वो सीटी बजाता है एसी के, ये भी एकदम खो जाती है। और किंग भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है, माया माया करता रहता है। सामने इतनी बीवी बैठी हुई है साथ हमारे यार राजा हिंदुस्तानी, तो इस पर मरता था वो, तो बोलता था शादी करूँ मैं मेम साहब, यहाँ इसको ये लड़की नहीं मानता। और वो भी अपने ख्यालों में डूबी हुई है कि प्यार करूँगी ऐसों से, लेकिन ये वाला पार्ट मस्त था। उसका केक आया तो हरा भी बोलता है सैंडविच खा गए। हाँ वो बुढ़ा बड़ा कमाल का है, हर बात पर गाना बना देता है। बाकी यार ये किंग खान है ना भाई, ये जोड़ी बड़ी बेस्ट है यार। किंग खान इसको लड़की नहीं मानता यार, इतनी खूबसूरत है मैम साहब ना। हाँ भाई मैम साहब भी बहुत अच्छी लग रही है, मगर किंग खान तो उसकी बात ही कुछ और है भाई। वो तो लड़की इसको समझता ही नहीं है ना, वो तो राजा हिंदुस्तानी इसके सामने पागल था। मगर किंग खान तो भाई बोलता है साइड हो जाओ, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त मगन है वो। और गोरी भी देखो ना, वो किंग खान आया सीटी बजा रहे तो उसको आवाज तो दो ना तुम भी भाई, घूंगी लगी पड़ी हो बस, वो भी ख्यालों में गुम हो जाती है यार। ये भी हैरान कर देती है।